हाँ तो बच्चों, पिछले सप्ताह मैंने तुम्हारी शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट की थी। उसमें से कुछ हो गई थी, कुछ आगे है जो क्रमशः इस प्रकार से है। शॉर्ट स्टोरी का टाइटल था द गोल्ड वॉच, जिसमें शंकु लोकेट वर्कर की कहानी है जो गरीबी से किस तरह से संघर्ष करता है। तो ये आगे थी, व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज। अब उसके पास जो सैलरी के 8.5 रुपए बचे थे, उनके साथ वो क्या करने जा रहा था। व्हाट ही ओन्ड वाज 22.13 रुपीज, जबकि उसका ऋण ही कितना था, 22.13 रुपीज। ही हैड अदर नीड्स टू, और उसकी फिर इसके बाद दूसरी भी आवश्यकताएं थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपया अपनी पत्नी से भी उधार ले रखे थे। दिस वाज आउट ऑफ द सम, ये उस योग से बाहर थे जो 22.13 रुपया ऋण चुकाने का योग है उसका, उससे ये 3 रुपए बाहर थे। सी हैड स्लोली सेव्ड, उसने धीरे धीरे बचाए थे। अप एंड नाउ, इधर उधर करके, एंड देन इन ऑर्डर टू बाय ए बेस्ट कैन फॉर द यंगर चाइल्ड, और जो उसका छोटा बच्चा था उसकी कमर की जंजीर के लिए, बेस्ट कैन कमर की जंजीर के लिए उसने बचाई थी। ही हैड अश्योर्ड हर, शंकु ने अपनी वाइफ को आश्वस्त किया था, आश्वासन दिया था, दैट ही वुड बाय इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, अगले महीने जो मेरी सैलरी मिलेगी उससे मैं बच्चे की वेस्ट कैन कमर की जंजीर खरीदूंगा। इस आश्वासन पर वाइफ ने वो 3 रुपया अपने हस्बैंड शंकु को दिए थे। शंकु हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय अनियंत्रित गति से तेजी से धड़क रहा था। थ्रो हिज हार्ट, उसके हृदय के द्वारा, थ्रो हिज हार्ट बीट्स, ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, वह कठोर शब्दों को सुन सकता है चाय की दुकान के मालिक को चुन्नी की। अली हॉलो लाफ्टर, अली की जो व्यंगात्मक हंसी है, एंड वल्गर वर्ड्स और अपशब्द है उसके जो, एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पा, और लोनप्पा का जो अमर्यादित बात है उसको, हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी वॉइस, वो उसे इस तरह से घेर रहे हैं जैसे आवारा कुत्ता हो। आर्म विद स्टिक्स, उनके हाथों में छड़ियां हैं, गैदरिंग अराउंड स्ट्रे डॉग, और आवारा कुत्ते को जैसे घेरा जाता है। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कितना डरावना दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसको असहनीय पाते हुए, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टोमच एंड थॉट, शंकु जो पीठ के बल लेटा था वह पेट के बल लेट गया और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कल मुझे इसे उठा ही लेना चाहिए। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, क्या ये 20 रुपए की नहीं होगी, इवन 15 विल डू, यहां तक कि 15 की तो हो ही जाएगी, 15 + 8.5, 15 की ये घड़ी हो जाएगी, और 8.5 वेतन से बचे तो होते हैं दैट इज 23.5, ये 23.50 रुपये होते हैं। इट विल फेट मोर देन 15, फिर ये 15 से ज्यादा की तो बिक ही जाएगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, वह अपने ऋणों को चुकाने में समर्थ होगा, एंड लिव इन पीस, और ऋण जब चुक जाएगा तो शांति से रहेगा, ऋण मुक्त जीवन। एक ऋणी व्यक्ति
कल्पना करता है कि ऋण मुक्त जीवन कैसा होता है और इसी में क्या होता है उसको ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, ऐसा जीवन जो ऋणों से मुक्त होगा विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, आराम का महसूस करते हुए ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, उसे हल्की नींद आ गई। इट वॉज मॉर्निंग, अभी अभी वो सोया ही था कि पत्नी आ गई। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गया है, व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या आप अब भी सो रहे हैं? संकू'स वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकू की पत्नी ने अपने पति को पति के कंधे को हिलाते हुए कहा विनम्रता से, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले काफी देर हो गई है। शंकु रेड हिज हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सिर उठाया, हिज वाइफ पिल्ड अप द यंगर चाइल्ड, और उसकी पत्नी ने अपने रेंगते हुए छोटे बच्चे को जो वहीं रह रहा था, हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो वही रह रहा था, एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डू नॉट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, क्या आज आपको काम के लिए नहीं जाना है? ओ यस, अरे हाँ, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, उसने कहा तो बिस्तर से बाहर उठ गया। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, शीघ्रता में उसने आंगन की तरफ कदम बढ़ाए, वॉचिंग द गोल्डन रे, सुनहरी किरणों को देखता हुआ, ऑफ द मॉर्निंग सन पार्सिंग, सुबह की जो फूट करके आ रही थी, लस बंबू फॉलिए बांस के झुरमुट से, ऑन द ईस्टर्न साइड पूर्वी दिशा से, एंड द ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थेज, और चमक रही थी पुराने ताड़ के पत्तों के छप्पर पर। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना मुंह धोया, एंड हैंड्स और हाथों को एज यूजुअल रोजाना की तरह, पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, अपने कार्य करने वाले उसने यूनिफॉर्म कपड़े पहने, एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और अपनी फैक्ट्री को प्रस्थान करने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा? लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम अपॉइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कुछ मरहम खरीद दिलाना। सी थ्री वे कमांडिंग लुक एट हिम, उसने ऐसा कहते हुए एक आदेशात्मक निगाह अपनी पति पर डाली। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फ्रेटरिंग बॉडी वाज स्टारिंग एट हिम, उसने महसूस किया बच्चे का जो फुंसी युक्त शरीर है, फ्रेटरिंग बॉडी, उसकी प्रत्येक फुंसी बच्चे के शरीर की जैसे उसे घूर कर देख रही हो, स्टारिंग एट हिम इन ए ग्रुसम वे, ए मोमेंट पार्ट इन साइलेंस, शांति में एक क्षण गुजर गया। फास्ट आउट ऑफ अपॉइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक इट, शंकु ने एक मूर्ख की तरह पूछा, किस तरह की मरहम? अपॉइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों के लिए मरहम, कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी लगातार कहती है, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, इसका मतलब है आपने अभी तक बच्चे के शरीर की फुंसियों को नहीं देखा है। यस, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ अपॉइंटमेंट, शंकु ने कहा, हाँ, कितने पैसा वाली मरहम? एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, लगभग 13 पैसा वाली, वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एट लीस्ट, मैंने 3 दिन पहले आपको कह दिया था इसको लाने के लिए। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड, शंकु ने झुके हुए सर के साथ चलना आरंभ किया। प्लीज, कृपया, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, वह एक विनम्र आवाज में बोली, सॉफ्ट मैंने मुलायम आवाज में। शंकु लॉक्ड बैक, शंकु ने पुनः पीछे देखा, सी स्पोक जेंटली, उसने विनम्रता से कहा, प्लीज ब्रिंग टू राइट बनानास, कृपया दो पके केले लाना, व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब आप शाम के वापस आए फैक्ट्री से। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात्रि में चिल्लाने लगता है, एंड आई हैव नो विल टू गिव, और मेरे पास
उसे देने के लिए, दूध नहीं है। शंकु की वाइफ जिस दूध का बात कर रही है वो गाय और भैंस के दूध का नहीं, वो स्वयं के दूध की बात कर रही है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज, वह खड़ी हो गई और अपने ब्लाउज को ऊपर खींचने लगी विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से अपनी टू शो हर बूव्स, अपने स्तन को दिखाने के लिए। देन सी नोटिस्ड हर बेली वर्किंग आउट, तब उसने पाया शंकु ने कि उसका पेट भी उभर रहा है, बढ़ रहा है। वार येट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या ये हमारे रास्ते में और अगला भार आ रहा है। शंकु वाज स्टंड, शंकु दंग था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को कोसा। एंड विद डीप साई, और एक गहरी आह के साथ ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, उसने अपने कदम फैक्ट्री की तरफ बढ़ाए। यहीं तक रहने दो, शेष जो रह गई वो कल पूरी कर दूंगा।